Hey guys, happy weekend. तो आज सैटरडे है. वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज मनीष नागदेव. आज मैं आप लोगों को बहुत बहुत कुछ मजेदार दिखाने वाला हूँ. ज्योति, जतिन, अपर्णा, इन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया था. मुझे कॉल किया था कि मनीष, वी आर गोइंग फॉर दिस वाटर सेलिंग, वुड यू लाइक टू ज्वाइन. मैंने बोला हाँ प्लीज, हम भी चलते हैं. तो बेसिकली प्लान है कि ये सब लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, मैंने भी शुरू किया है नया नया, तो मैं भी जाता हूँ उनके साथ और देखते हैं आज किस तरह से हम क्या क्या चीजें, क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं. ऑल रेडी, ऑल सेट टू लीव. बस निकलते हैं. और मुझे टाइम पे पहुंचना, टाइम पे निकलना बहुत अच्छा लगता है. अभी ज्योति को मैंने फोन कर दिया है कि ज्योति जल्दी से रेडी हो जाए, आई एम कमिंग, आई एम ऑन द वे. सो देखते हैं वो टाइम पर मिलती है कि लेट करती है. गाइस, तो हम ज्योति के घर के नीचे पहुंच चुके हैं और ज्योति को मैंने जस्ट कॉल किया एंड शी इज फुली रेडी. क्या बात है, बहुत कम लड़कियां ऐसे होती हैं जो ऐसे पंचुअल होती हैं और रेडी होती हैं टाइम पर. तो अभी वो नीचे आने वाली है और उसको आते ही मैं अपने वीडियो पे लूंगा और आप लोगों को दिखाता हूँ ज्योति सेठी यहीं से आने वाली है. ये लो, आ गई है मैडम, फुल मास्क वास्क पहनकर, एकदम जबरदस्त तैयार होकर गुस्से में आ रही है. देखो ज्योति सेठी, तू वहां से यहाँ तक आ रही थी, इतनी गुस्से में लग रही थी मुझे. अरे नहीं, मैं सड़क पे जब चलती हूँ बहुत ही गुस्से में चलती हूँ, मेरी हमेशा आदत है. मतलब ताकि कोई बात न करे, पहचान ना ले. बात न करे, पहचानने का क्या है, कौन है हम. बट कोई मतलब ऐसे देखे ना. अच्छा, इतने गंदे मूड में चलती हूँ मैं. व्हाट्स अप, आर यू व्लॉगिंग? या ज्योति, आई एम ऑल्सो व्लॉगिंग मनीष. या आई नो. तो इससे पहले एक वीडियो बना जहाँ मैंने बहुत कुछ बोल लिया और वो मैंने फिर ऐसे बोला था, मेरी नाइस है, तुम्हारे कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है. वैसे तुम्हें पता है ना, तुमने अपना कैमरे का रिकॉर्डिंग का बटन दबाया नहीं अभी तक. लाइक व्हाट? और तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मैंने ऑन नहीं किया. तुम बैठे हो ना. हाँ मम्मी जी, मैं आपसे तो सीख रहा हूँ सब कुछ. आप ही तो है, आपने तो कहा कि व्लॉग करो, बस आ गया व्लॉग करने. गुड जॉब. थैंक यू सो मच. तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं ज्योति यहाँ से? सो हम लोग जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया. एंड आई फाइनली सेड इट राइट, बिकॉज मैं जब भी बोलती हूँ ना गेटवे ऑफ इंडिया को, मैं इंडिया गेट बोल देती हूँ हमेशा. अच्छा, दिल्ली वाला. हाँ, फाइनली मैंने पहली बार में गेटवे ऑफ इंडिया बोला. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. अच्छी लग रही है तू, नहा कर आई ना? सोचो मैं आज भी नहीं नहा के आई. सच बोल रही है? अरे मैं कभी बैठती नहीं हूं. अपन ने लेनी है. अक्षत आ चुका है फाइनली. हाय अक्षत. अक्षत इज अ राइटर और अभी मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ अक्षत से. अभी यहाँ से हम जाएंगे एक घंटे. फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ अक्षत से? ऑफ कोर्स, फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ. जतिन ने बोला कि अक्षत से मिलना है, अक्षत आएगा और हमें साथ में जाना है. तो अभी हम वही गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं. सो लेट्स हैव सम फन. जाते वक्त मस्ती करते करते जाते हैं. हम पहुंच चुके हैं. ये रहा मेरे पीछे ताज होटल, ताज. और अभी हम यहाँ से जाएंगे जेटी नंबर 5 पर. अच्छा, तुम्हें पता है जेटी नंबर 5 पर? हाँ. वे सतिन, कहाँ है हम लोग? अभी बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा. मैं स्माइल कर रहा हूँ, किसी को समझ नहीं आ रहा. अच्छा, अभी इनकी बुक लॉन्च हो रही है. हो चुकी है और उसका नाम है हिडन हिंदू, जो इनके मास्क पर लिखा हुआ है. It was your responsibility. ज्योति में लाया हूँ.
थैंक गॉड पहले नहीं बता सकते थे। ये मैडम अपना फोन भूल गई थी, गॉड से देखो इस लड़की को। I was expecting you to pick it because it is your car. Oh, so I have to take care of your phone. Wow, तो कुछ नया सुना है मैं। ये रहा हमारा गेटवे ऑफ इंडिया। तुम्हारा? हाँ ये मेरा ही है, ये मैंने इनको डीश पे दिया रहा है। तो हमारे फ्रेंड्स आ गए हैं। हाय अपर्णा, व्हाट्स अप? क्या हमारी मूड का ब्लॉग के ऊपर अक्षत भी आ गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ अक्षत के ऊपर कैसा लगेगा। यहाँ पे आके आपको अपनी जिंदगी इनके हवाले करनी पड़ती है, खुद से साइन करना पड़ता है कि हमारी जिंदगी आपके हाथों में, जो करना कर लो। नॉमिनेशन मेरा नाम डाल ताकि तुझे भी छोड़ना है। मेरी बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी मेडिक्लेम किया हुआ है, फिर मेरा डालना। सो वी आर गोइंग इनसाइड नाउ, सिक्योरिटी चेक। वो ट्रांसफर बोट हमें ले जाएगी हमारी सेलिंग बोट पे। ज्योति यू नो स्विमिंग? नो। क्या बात कर रही है? I can float though. यू तो वैसे भी can float ऐसे ही। बुरा मान रही है? नहीं। ज्योति के अभी ना आधे घंटे में कम से कम मेरे सामने 6 अलार्म बज चुके हैं और घंटा एक सिप पानी नहीं पिया इसने। तो हम लोग अभी ट्रांसफर बोर्ड पे हैं और यहाँ से सेल बोर्ड पे जाएंगे। थैंक यू, तू मेरे लिए भी काम कर रहा है। ट्रांसफर बोर्ड से वहाँ जा रहे हैं। संभाला ज्योति, गिर सकती है, स्विमिंग भी नहीं आती तुझे। कमल ने हमको सुपारी दी है, तो वेल प्लान ट्रिप। कमल ने हमको सुपारी दी है। इनके आना पर अभी हेलमेट उतारनी पड़ेगी और ये कुछ हेलमेट पहना रहे हैं हम लोगों को यार। जिंदगी हो ये क्या, मुझे कहा हेड लेके आने के लिए, अपनी हेड लेकर आया था तुम तेन। भैया गिरूंगी तो नहीं ना मैं, भगवान कसम खाऊं। भैया ये तो बड़ा रिस्की काम बोल रहे हो आप। नहीं नहीं वही मैं मर जाऊं।
तो ये तो मैं नीचे से ही चल, ओ माय गॉड, जय माता दी, ये उधर कोई नहीं है, बोट टिल्ट हो रही है, बाप रे, कमल ने इसको दिया सुपारी, फाक, ज्योति ज्योति जिस तरह बैठी है ना उस तरह ही बोट घूम रही है। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, जतिन गाइज, अभी हम वापस जा रहे हैं, डेढ़ घंटे की राइड पूरी हो गई है पानी में, और ये रहा पीछे हमारे ताज होटल, गोइंग बैक। और ज्योति एंजॉय किया, बहुत मजेदार था ना, बहुत बढ़िया, ये सब सब दोस्त हमारे पीछे एंजॉय कर रहे हैं, देखो अब तक मजे हो रहे हैं पीछे, और ये खूबसूरत सा सनसेट है पीछे। ज्योति कितना हुआ इसका, मतलब क्या है, व्हाट्स द वाज द प्राइस एंड ऑल? तो डिस्काउंट हम लोग को बहुत मिला है कुछ जान पहचान के कारण, तो हमको ये 6,000 का मिला है। आई थिंक इसका ओरिजिनल जो प्राइस है वो समवेयर अराउंड 10-11,000 है, तो इसमें एक बार में 6 पीपल ओनली कैन गो, तो तुम अपने आप को निहार लो। कहाँ निहार रहा हूँ मैं अपने आप को, तुम्हें देख रहा हूँ यहाँ से, तो 6,000 फॉर 6 पीपल द डील वी गो, बट अदरवाइज इट्स 10-11,000। बट आई थिंक इट्स वर्थ इट यार, मतलब मजेदार है यहाँ पर, 6,000 के लिए तो वर्थ डेफिनेटली है, आई एम नॉट श्योर अबाउट 11-12, बट हाँ 1.5 घंटा यू आर इन नेचर, क्या बात है, पानी के बीचों बीच। और मुंबई जो आ रहे हैं फर्स्ट टाइम उनके लिए तो मतलब ये मस्ट विजिट है, यहाँ पर आओ आपको 4-5 चीज़ें साथ में देखने को मिल जाएंगी, ताज होटल पास में है, मरीन ड्राइव्स है, खुलाबा मार्केट है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, गेट वे ऑफ इंडिया है, इस बोर्ड से ट्रांसफर बोर्ड पे जा रहे हैं। फाइनली अपने घर पे आ चुका हूँ, और वो कहते हैं ना अपना घर सबसे बेस्ट लगता है, फाइनली जब अपने घर पे आते हो और अपने बेड पे बैठते हो तो ऐसा लगता है कि हाय जन्नत मिल गई। कहीं भी घूम लो, कहीं भी चले जाओ, महंगी सी महंगी जगह, अच्छी से अच्छी जगह, लेकिन अपने घर पे आके जो सुख मिलता है ना, उससे बेहतर सुख और कोई नहीं हो सकता। तो बेसिकली आज का पूरा दिन खत्म हो चुका है, मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, और अब इसके बाद में मैं कोई प्लान नहीं बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। आज करीबन 2-2:30 बजे हम यहाँ से निकले, और वहाँ पे हमारे जो टाइमिंग था बोटिंग का वो 4:15 का था, हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे वहाँ पहुँचे, हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे वहाँ से निकले, और मैंने आपको सब कुछ वीडियो में दिखाया हम लोगों ने वहाँ पर क्या क्या किया। तो बेसिकली ये जो पूरा जो एक्टिविटी हुआ 6 लोगों का वो 6,000 रुपये में हुआ, क्योंकि हमको डिस्काउंट मिला, और हम लोग
लोगों को 1000 पर पर्सन हुआ, विच वॉज क्वाइट रीजनेबल। हमने पूरा सेलिंग की, पूरा 2 घंटे हमने अंदर पानी में पूरा घूमे, वहाँ पे सनसेट देखा, बहुत एंजॉय किया। बहुत सारे फ्रेंड्स थे, हम लोग 5-6 लोग मिलके मस्ती कर रहे थे, सब लोग ब्लॉग बना रहे थे, एक दूसरे की फोटोज निकाल रहे थे, इट वॉज सुपर फन। तो अगर आप मुंबई में नहीं रहते हैं और अगर मुंबई में रहते भी हैं तो आप अगर आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आई थिंक यू गाइस कैन गिव इट अ ट्राई। और स्पेशली अगर आप मुंबई से नहीं हैं, मुंबई में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आपको यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि 4-5 चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। जैसे कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपके पास वहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया है घूमने के लिए, आपके पास मरीन ड्राइव है, आपके पास ताज होटल है, आपके पास वहाँ पे वाटर सेलिंग करने के लिए पूरा वो एक्सपीरियंस है, वहाँ से कोलाबा मार्केट भी बहुत पास में है, वहाँ से बहुत हर चीज़ें जो टाउन में जो भी चीज़ें हैं पूरा वहाँ का जो एरिया है आप पूरा एक दिन में अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो एक दिन का आप प्लान अच्छे से बना सकते हैं उस तरफ जाने का, और बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप उस तरफ जाएंगे तो। तो आज का ब्लॉग जो है वो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा आज का ये फन एक्टिविटी देखकर। इतना सारा हम लोगों ने पूरा आउटडोर और इंडोर सब कुछ कवर किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और मुझे इसी तरह बहुत सारा प्यार देते रहना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जितना हो सके अच्छा अच्छी अच्छे चीज़ें दिखाऊँ, अपना जितना मेरे पास छोटा मोटा जो भी नॉलेज है वो शेयर कर सकूँ, और इसी तरह से आपके साथ टच में रहूँगा। लव यू गाइज़।